हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल के ऊपर एक बार फिर से। नीट 2020 को लेकर के ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। बहुत बड़ी खबर आई है नीट एस्पिरेंट 2020 के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए, अब ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं ऑफिशियल नोटिस की ओर। उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हम जैसे कोई नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें, उससे पहले देखिएगा दोस्तों, ट्विटर के ऊपर डॉक्टर रमेश पोखरिया निशाक ने अनाउंसमेंट की है। इन व्यू ऑफ मैनी रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम एस्पिरेंट्स एंड पेरेंट्स ऑफ कैंडिडेट ऑफ नीट यूजी 2020 एंड जेई मेन 2020, आई हैव एडवाइज्ड एट द रेट DGNT टू फर्दर एक्सटेंड द डेट ऑफ मेकिंग करेक्शन इन द अप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग चॉइस ऑफ सिटीज फॉर सेंटर्स टू 3 मई 2020। तो डेट एक्सटेंड करने के लिए बोला गया है करेक्शन के लिए। इसके लिए दो ऑफिशियल नोटिस जारी किए गए हैं, एक जेई मेंस के लिए और एक नीट 2020 के लिए। तो देखते हैं, यहाँ पर पहला जो है ये दिया गया है जेई मेंस का। उससे पहले हम सबसे पहले देखते हैं नीट वाला, इसमें कहीं एग्जाम डेट के बारे में लिखा है नहीं है, वो भी बताएंगे। तो 14 अप्रैल 2020 का ये नोटिस है, करेक्शन फैसिलिटी इन कैंडिडेट पर्टिकुलर्स एंड सेंटर सिटी इन ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फॉर नीट यूजी 2020 एक्सटेंशन देयर ऑफ। तो इन कंटिन्यूएशन ऑफ पब्लिक नोटिस, तो यहाँ पर जो मैं मेन चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ पर लिखा है करेक्शन इन द पर्टिकुलर इन द ऑफलाइन अप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एक्सेप्टेड अप टू 5 PM एंड सबमिशन ऑफ फी अप टू 11:50 PM ऑन 3/5/2020, मतलब 3 मई तक, जब तक ये लॉकडाउन बढ़ा है तो उस समय तक जो है आपकी करेक्शन जो डेट है उसको बढ़ा दिया गया है दोस्तों। और इसके अंदर कहीं एग्ज़ाम के बारे में लिखा या नहीं लिखा वो मैं आपको बता देता हूँ, देख लेते हैं एक बार यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा कुछ पता नहीं रखा है दोस्तों, लेकिन जो आपकी ये करेक्शन फैसिलिटी 3 मई तक बढ़ाई गई है दोस्तों, तो इससे साफ पता चल रहा है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होना ही होना है। तो दोस्तों, अब जो है आपका एग्ज़ाम जुलाई और अगस्त में ही कंडक्ट करवाया जा सकता है, उससे पहले आपका कोई भी चांस नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। अब जेई मेंस वाले में और पढ़ लेते हैं उसमें क्या दिया है। तो इस नोटिस में दिया गया है करेक्शन फैसिलिटी इन कैंडिडेट पर्टिकुलर एंड सेंटर सिटीज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जेई मेन 2020 एक्सटेंशन देयर फॉर। तो यहाँ पर भी जो है यही बात लिखी गई है कि 3 मई 2020 तक ये बढ़ा दिया गया है। अभी तक ये नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं अपलोड किए गए हैं, लेकिन जल्दी वहाँ पर भी अपलोड कर दिए जाएंगे। ये ट्विटर हैंडल पर आकर के आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कुछ दोस्तों के मन में डाउट है कि अगर मई तक ही लॉकडाउन रहता है तो जून में क्यों नहीं एग्ज़ाम हो सकता। तो देखिएगा, एग्ज़ाम आपका लॉकडाउन ख़त्म होते ही नहीं होगा, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जो है आपका एक बार के लिए सब स्टेबल रखा जाएगा, जब तक एक 0 केस ना हो जाते हैं, और उसके बाद जो है अचानक से एग्ज़ाम शुरू नहीं किया जा सकता। और भी आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी लेने हैं, फिर जेई के एग्ज़ाम को भी कंडक्ट करवाना है, और उसके बाद जो है एडमिट कार्ड भी पहले 1 महीने पहले जारी होते हैं, आप सभी जानते ही हैं। और सेंटर्स भी कहाँ कहाँ देने हैं, किस प्रकार देने हैं, क्या कंडीशन रहेगी, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जुलाई अगस्त से पहले कोई चांस आपका दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।